how many people you have in your life. So दो अकाउंट बन रहा है कि हमने कितने लोगों को कमाया और कितनी दुआएं कमाई. तो ये सेपरेट अकाउंट्स वो ओपन हो चुका है. 2020 विल बी लाइक दैट. एंड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. आज शर्मिली काफ़ी दिन के बाद हमें देख रही है और श्रेष्ठा भी है आज हमारे साथ. शी इज़ ज्वाइनिंग मी. तो दिस इज डे फोर में श्रेष्ठा इज ज्वाइनिंग मी. हेलो श्रेष्ठा, गुड मॉर्निंग. तो बेसिकली बात कुछ इस तरीके से हुई जैसा कि आपने देखा कल के ब्लॉग में कि मैं तकरीबन 10 बजे रात में मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं जो है बेड पर आ गया. उसके बाद मैंने कोई बाम लगाया. कौन सा था वो? झंडू बाम, टाइगर बाम था. तो टाइगर बाम को लगाने के बाद क्या हमारे सर का थोड़ा दर्द गया. उसके बाद मैंने 2-3 बार और लगाया. तो माइट भी ये वजह हो सकता है कि टाइगर बाम लगाने के बाद जो है वो नींद उड़ जाती है. ये एक चीज़ हो सकता है. या मेरे साथ ये चीज़ तो होता है कि मुझे बेड पे जाने के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे लगते ही हैं सोने के लिए. लेकिन कल रात में तो कुछ और ही हो गया. 10 बजे से लेकर तकरीबन 1:30 बजे तक आई वॉज लिटरली स्ट्रगलिंग टू स्लीप. एंड दिस इज़ वन ऑफ द अजीबोगरीब माया है ईश्वर का. लेकिन कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं, जो प्रभु चाहेंगे वही होते रहेगा. एनीवेज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल गाइज. वो देखो I hope you are doing absolutely wonders in your life by ignoring negativity and by accepting positivity and by being thankful to Almighty for whatever you have in your life. आज का तारीख है 22 दिसंबर 2019 संडे. इट इज 6:44 AM हो रहा है. And the temperature is 25 degree Celsius. It's unhealthy air quality. So this is the day 4. And yes, the mission and the vision is on. तकलीफ़ें हो रही हैं थोड़ी बिकॉज माई बॉडी इज़ नॉट यूज टू वर्किंग फॉर 18-19 आवर्स. बट स्टिल बॉडी को यूज टू करना है. नो कमिटमेंट, नो लाइफ, नो स्ट्रगल, नो विजन. सो यस, तो हमारे घर से जो है हमारा ये जो पार्क है वो है तकरीबन 350 स्टेप्स दूर है. एंड आई टेक यूजुअली 4000 स्टेप्स जैसा लेता हूँ. तो लेट्स सी, श्रेष्ठा माइट भी मेरे से पहले चले जाएगी घर. तो यो, और ये देखिए मुंबई जगना शुरू हो गया. सो बेसिकली मेरा जो चलने का स्पीड है वो श्रेष्ठा का जॉगिंग स्पीड है. तो मैं चल रहा हूँ और श्रेष्ठा दौड़ रही है. ऐसा हमें याद है हमारे पिताजी भी इसी तरीके से चला करते हैं. तो हम लोगों को दौड़ना पड़ता था. लास्ट राउंड है. श्रेष्ठा थक चुकी है ना चिंचिन? The green world. ऑलराइट गाइज, द टाइम अपडेट इज कितना टाइम हो रहा है रे बाबा? 10:33 PM. एंड एलेक्सा, व्हाट्स द टेम्परेचर राइट नाउ इन मुंबई महाराष्ट्र? इट्स 27 डिग्री सेल्सियस. सो इट्स टुडे एक्सपेक्ट अ हाई ऑफ 32 डिग्रीज. थैंक यू मैम, थैंक यू. सो यस, अभी जो है अन्या के क्लास के लिए जा रहे हैं. मैंने सोचा कि दोपहर में रखने से अच्छा है कि एक बार घर जो है मेंटली फ्री होके आते हैं और फिर एडिट वगैरह आज करना है. आज बिना एडिट किए हम महाभारत शुरू नहीं कर रहे हैं. 6 दिन का व्लॉग बाकी है, आज करना ही करना है. भोलेनाथ कृपा करें. सो यस, लेट्स गो. अच्छा अच्छा। सो बेसिकली हमारे नेबर लोग जो हैं वेद पाठक अंकल लोग वो शिफ्ट हो रहे हैं। दे हैव गॉट अ न्यू फ्लैट इन थाने, so they are shifting there and any of the building is supposed to get redeveloped. So today I can't take that bigger U-turn. और सामने ऐसे भी एक गांच गिर गई है तो वो भी ब्लॉकेज ही है। ये रब्बा ये देख कंजस्टेड स्पेस। चलो भैया बाय बाय। हाँ चलो बाय भैया, मैं आता हूँ थाने। यस इस तरीके से ये लोग निकल रहे हैं। 10:30 का समय था, 11 हो गया। तो हमने बस जो है अंकल आंटी का पैर छुआ और प्रणाम किया। इट्स जस्ट लाइक यू नो, कभी भी किसी से बैर नहीं रखना। और अंकल आंटी यू नो, आई रिमेंबर एक बार हमें डेंगू हो गया था तो अंकल वाज सो सपोर्टिव यू नो, नीम के पत्ते वगैरह का कुछ यू नो जूस एंड ऑल दोस थिंग एंड यू नो। हमें देखो इट इज़ सेड कि कोई अगर हमें बस अच्छाई को ही याद रखना है एंड वी शुड बी ऑलवेज लाइक यू नो वी शुड लव एंड इट्स जस्ट लाइक वी शुड नेवर एवर कीप एनी शॉर्ट ऑफ यू नो बैर इन आवर माइंड एंड लाइफ इज दिस ओनली। क्या पता हर किसी से इस तरीके से मिलो और जियो कि यार ये आखिरी समय है, क्या पता कल क्या हो जाए। सो यस गाइस 10:49 AM it is 32, oh my god, 29 डिग्री सेल्सियस के साथ चला जाए कांदीवली। आन्या 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 चीज़ें हमारे साथ हो रही है। थोड़ी चक्कर आ रही है एज आई मेंशन, थोड़ी प्यास लग रही है, थोड़ी भूख लग रही है। दीज ऑल आर द यू नो सिम्टम्स ऑफ व्हेन यू लैक यू नो द रेस्ट ऑफ योर बॉडी और द लेस स्लीप व्हेन इट हैपन्स। बट या एनीहाउ आई हैव टू मेक इट अ पॉइंट दैट यस इट डज यू नो डू वर्क इन अ ग्रेट वे, दैट्स इट। और क्या बोले, घर जाके खाना खाने का भूख लग गया है बहुत ज़बरदस्त। भूकम बहुतम लगम। The green madams, the green chutneys, the chapatis, the halwas, the sabzis, the kheera. So all right guys, at the time update is 3:13 PM with कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। द टेम्परेचर इज 31 डिग्री सेल्सियस, इज अनहेल्दी एयर क्वालिटी। समझ में आया? 31 डिग्री सेल्सियस, इट्स अनहेल्दी एयर क्वालिटी। सो बेसिकली नाउ आई एम हैविंग गुआवास। या हेलो फ्रेंड्स, गुआवा खा लीजिए, अमरुद है। गुआवा खा लीजिए, अमरुद है। सो बेसिकली हमें जो है नींद से मैं ग्रसित हो गया था चारों ओर से। आई वॉज टोटली यू नो, हमने अपने बेड को भी एस्टैब्लिश्ड कर लिया था। आई वॉज इन स्लीपिंग जोन, देन सडनली यू नो श्रेष्ठा इज रीडिंग स्वामी विवेकानंद जी का किताब पढ़ रही हैं वो। यू नो इट, यू नो जितने लोग ब्लॉग को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। फ्रॉम द रॉक मेमोरियल वी गॉट इट, या फ्रॉम कन्याकुमारी द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। या इट्स इंग्लिश, या यू आर गेटिंग वेरी राइट, या इट्स इंग्लिश। या तो श्रेष्ठा ने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी लगभग 6 साल के लिए जो है 1-1 घंटे सोया करते थे। जब उनके गुरुजी ने उन्हें कुछ यू नो अपना संकल्प उनको उन पर सौंपते हुए जब वो पृथ्वी को छोड़ दिए थे तो हमें आई गॉट सो इंस्पायर्ड बाय दैट स्टेटमेंट एंड देन सडनली आई थॉट कि नो, हमको उनसे हम हैं ही क्या, मेरी औकात ही क्या है। 6 बजे उठने का 18, 19, 20 घंटे लोग काम करते हैं और कितना काम करते हैं। आई हैव टू वर्क 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 यस। तो बस एडिटिंग अभी एक अपलोड हो गया। आज जो है 5-6 दिन जो पीछे चल रहा है अपना ब्लॉग, आज उसको करके ही रहेंगे। हर हर महादेव। अमृत खाते हैं। एडिट के बाद मिलते हैं। सो रियल क्विक अपडेट 4:52 PM हो रहा है विद 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इट्स अनहेल्दी एयर क्वालिटी। सो 2 व्लॉग जो है एडिट हो चुका है, तीसरा मैं एडिट कर रहा हूँ। इन द मीन वाइल आई एम जस्ट हैविंग सम वेफर्स एंड यू नो कुछ रिश्ते ने बना के दिया हैव अ लुक, और मैं फिर एडिट करता हूँ। आज तो कर ही लेना है, बहुत हो गया ऑलराइट गाइस, इट्स 6:45 PM। फाइनली हमारा एडिट का जो महा पर्वत बना हुआ था वो जो है हो गया। तो यस, अभी क्लास चला जा रहा है। क्लास 6:30 से स्टार्ट हो गया बिकॉज इट्स ये ना संडे। सो संडे के दिन जो है जानवी 15-20 मिनट तक या आधे घंटे तक ऑन माई बिहाफ सी कैन हैंडल द फुल क्लास ऑल्सो, बट एक मीटिंग भी है और यू नो अब मैं क्लासेस को स्किप नहीं करता हूँ। सो यस, वर्क गॉट डन, चला जाए क्लास। और अब मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक मैंने 5-7 मिनट का पार नैप लिया। फिर विक्स क्या वो टाइगर बाम जब से लगाया तब से जो है हम फीलिंग ओके। टाइगर बाम आई कीप इट, हालांकि अभी भी थोड़ी थोड़ी जो है दर्द तो है, सिर दर्द तो है, बट कोई बात नहीं, चला जाए। तो बस यही था कि सर दर्द हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है यूज टू हो जाएंगे। बस देख लो बेटा, रिवाइज कीजिए। सारे सनी दादा दारे रे गरे सनी नी लिखो। ये देखो, ये सबसे होनहार है। ये लिखा हुआ को लेके उतार रहे हैं। मतलब स्कूल के दिन को ऐसा लग रहा है हम वापस जी रहे हैं बाकी सब बच्चों के साथ। आपका हो गया? क्या बात है, चलो। है ना, जिंगल बेल जिंगल, इसी के बाद जुड़ता है ना वो। So alright guys, it's 9:19 PM with 28 degrees Celsius. It's unhealthy temperature. So got done with the class and also got done with 2 of the meetings. तो अब क्या करेंगे ना कि मैं एक मीटिंग्स का भी टाइम बना लूँगा 4 to 6 PM या 3 to 5 PM या 2 to 5 PM मीटिंग्स का टाइम बनाएंगे, क्योंकि अब मैं लोगों से डिटेलिंग में मिल रहा हूँ, सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू नो लक्ष्य विज़न। तो लोगों को समझाना। तो आज एक पेरेंट्स आए थे और एक यू नो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में ही वर्क टू सम डिजिटल मीडिया एंड समथिंग। तो यू नो लोगों से बात करना, इन सब चीज़ों में काफ़ी समय जाता है। हालांकि हो गया मीटिंग 2 डन, 2 मीटिंग्स गॉट डन, बट या अब से आई विल बी मेकिंग, क्योंकि एनी हाउ सुबह उठने का रूटीन हो गया। तो 12 बजे से पहले ही अपना ये जो है बिफोर 12 PM हमारा एडिट और सारा कुछ जो है वो डन हो जाएगा, इंक्लूडिंग सोलफुल म्यूज़िक एकेडमी का पोस्ट एंड TikTok, Instagram, everything 12 से पहले हमारा रेडी हो जाएगा। तो आई विल स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसमें मैं 1 घंटे और यू नो हैशटैग श्रेयस शांडिल्या लाइव का प्रिपरेशन में ऐड कर दूंगा और बाकी मीटिंग्स। एंड आई एम डैम श्योर कि द वे थिंग्स आर गोइंग एवरी डे 2-3, 4 लोगों से तो मिलना ही मिलना है बिकॉज हियर द 2020 मोटो इज़। अभी मैंने जस्ट जानवी को बताया कि 2 अकाउंट हो, एक अकाउंट तो इतने दिनों से ईश्वर चला ही रहे हैं और दूसरा अकाउंट भी ईश्वर चलाना शुरू करेंगे। वो ये है कि now what I have noticed is now it's always open. No, I opened it, you know. Yesterday I was not there. Nobody opened it. Okay. हाँ, तो 2 अकाउंट बन रहा है। एक अकाउंट बन रहा है कि हम कितने लोगों को कमाएंगे, ना ही सिर्फ पैसे। जब लोग ज़िंदगी में रहेंगे तो पैसे तो यू नो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, बट द विज़न इज़ कि हम लोग कितने कमाएंगे। यू नो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन दिस ऑल इतने सारे वक्त में, ये मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा कि इट्स नेवर अबाउट हाउ मच मनी। मनी इज़ वेरी सिंपल, आई नॉट से सिंपल, लक्ष्मी माता को सम्मान। मनी इज़ जस्ट लाइक यू नो इट्स ओके, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, एवरीथिंग। मनी के बिना तो कुछ भी नहीं है, बट What matters a lot is, you know, how many people you have in your life. So दो अकाउंट बन रहा है कि हमने कितने लोगों को कमाया और कितनी दुआएं कमाई. तो ये सेपरेट अकाउंट्स वो ओपन हो चुका है. 2020 विल बी लाइक दैट एंड आई वुड लाइक टू यू नो इन्वाइट यू ऑल्सो टू ओपन टू अकाउंट्स. वन इज़ ऑलरेडी यू हैव इट. You can share me, you know, the details. I'll be transferring you some amount. सारे लोग comments करें. जिसको जिसको जितना amount चाहिए वो please लिख के comment करें. सच में कर रहा है. हाँ ठीक है. अपने अगर कोई अपने बस की बात रहेगी तो definitely करेंगे. New Year's resolution. इसके लिए एक और कुछ ऐसा करेंगे जो हम यू नो जितने कमेंट्स आएंगे सबको करना. तो ये तो अलग बात हुई. तो आप लोग भी दो अकाउंट खोलिए. दुआएं कमाने का अकाउंट बनाइए और लोगों को कमाने का. तो जितने भी इंक्वायरीज आने वाला है 2020 में सारे लोग हमारे जो है संबंधी बनने वाले हैं आजीवन. जी हाँ. मेरे ये जानवी अपने घर, हम जा रहे हैं अपने घर और ये जानवी. ठीक है चलो. सो अभी मेरा सर दर्द, अभी मेरी सर दर्द या मेरा अभी मेरी सर दर्द होता है. मेरा सर दर्द कर रहा है. मेरा या मेरा ओके. तो मेरी जानवी बोल सकती है कि मेरी सर. मैं भी नहीं बोल सकती. ओके मेरा तो सर इज ओके. तो मेरा सर दर्द अभी नहीं हो रहा है. इस चीज़ का मुझे डर लग रहा है कि सर दर्द क्यों नहीं हो रहा है. कहीं कुछ ब्रेन का केमिकल लोचा तो नहीं. यूजुअली तो होना चाहिए लेकिन ठीक है. यूजुअली पीपल वर्क फॉर 18 आवर्स एंड स्टफ. सो यस चला जाए. एंड आज से जो नया रूल बनाया है वो करने वाले हैं. आज का व्लॉग 12 बजे से पहले ही ख़त्म होगा. तो घर में एंड करेंगे व्लॉग. अब कल पे नहीं टालने का कुछ भी. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. इसके आगे नहीं आता है. क्रिएटिव माइंड्स ऑलवेज फाइंड डिफिकल्ट टू गेट इनटू स्लीप. और रात में एक्चुअली मैं गाना लिख भी रहा था. मैं आपको दिखाता हूँ कितने कितना एम है. 12:06 AM. उस वक्त नींद ही नहीं आ रहा था तो लिखना शुरू कर दिया. वो तो मैंने बताया ही आपको. आपने ब्लॉग की शुरुआत में देखा ही. 10 बजे बेड पे आया, 1:15 बजे नींद आई. घर चाहिए, बंगला बनाना. ठीक है माउंट घर चाहिए. तो बंगला थर्मोकोल से बना हुआ वो आप वहाँ पे जाके चढ़ा लेंगे. मतलब प्रणाम कीजिए, थैंक यू बोलो, आज वो आपको मिल जाएगा. दैट्स हाउ माउंट वेरी चर्च के सो ऑलराइट गाइज, दिस इज द थर्ड डे. यस वंस अगेन ऐसा हुआ. 3 दिन वापस जो है व्लॉग डिले चलना शुरू हुआ है. बट नो वरीज. अब ये जो है ये मैं आखिरी बार ऐसा कह रहा हूँ कि दिस इज़ द थर्ड डे या नेक्स्ट डे या वॉट एवर इट इज़. क्योंकि मैं सेम डे के व्लॉग को जो है सेम डे एंड करने वाला हूँ. और मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है. श्रेष्ठा भी काफ़ी ज़्यादा हमें जो है कुछ ना कुछ सजेशन देते रहती है ऑब्वियसली टू डू गुड एंड ग्रेट. तो अब मैंने व्लॉग के ड्यूरेशन पर जो है ना एकदम स्ट्रिक्ट कुछ सोच लिया है. कोशिश करूँगा कि मैं 10 मिनट का व्लॉग हो. मैक्स टू मैक्स 12 या 13 मिनट्स. यस सो न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन न्यू स्किल्स. सो बेसिकली पूरी चीज़ें जो होंगी दिन में ऑब्वियसली मुझे काफ़ी सारी चीज़ें को यू नो शॉर्ट करना होगा. अभी जो मैं व्लॉग बनाता हूँ वो ऑब्वियसली 100% मतलब समझ लो कि 100 नहीं 99.9% जो है हमारे जो पूरे दिन होता है सब दिखता है. लेकिन जब व्लॉग का ड्यूरेशन घटेगा तो ऑब्वियसली कुछ कंटेंट को स्किप ही करना होगा. बिकॉज यू नो टॉक करने के लिए एंड बताने के लिए अनंत चीज़ें हैं. सो दिस इज़ द लास्ट टाइम व्हेन आई एम एंडिंग माई व्लॉग. सबसे पहले कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद और नेक्स्ट डे ऑल्सो आई विल बी एंडिंग सेम डे का व्लॉग सेम डे. क्योंकि ऑब्वियसली अब रूटीन हो गया. 6 बजे उठना है, 12 बजे तक सो जाना है. तो व्लॉग को एंड करके ही सोना है विच विल बी अ ग्रेट थिंग. एंड होप कि महादेव हमें जो है आशीर्वाद दें और ये मैं करने में सफल रहूँ. सो यस दिस इज 25th of December. मैनी 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 मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइज. आई होप कि मैं इस ब्लॉग को आज पोस्ट कर पाऊँ. चांसेस आर कर लूँगा. सो यस आज कर ही लूँगा. सो यस मैनी क्या बोलूँ, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस डे भी बोल सकते हैं कि हाँ इसी तरीके से खुशहाली तरीके से आपकी ज़िंदगी में सांता आते रहें और जो है आपके सांता बनता का जो है खुशियाँ देते रहें। सो यस 25th of December 2019, इट्स वेंसडे, तो बजकर 15 PM और द टेम्परेचर इज 29 डिग्री सेल्सियस। इट्स अनहेल्दी एयर क्वालिटी। सो यस गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस ब्लॉग। तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस, इग्नोर नेगेटिविटी, एक्सेप्ट पॉजिटिविटी, बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ, हैव अ ड्रीम, कीप ऑन चेजिंग इट, कीप ऑन क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि जो कुछ भी आपको आपके ज़िंदगी में चाहिए कि आप उस चीज़ को सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं। यस या नो? अगर नहीं कर रहे तो कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाइए आप हर रोज सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक भी आप खुद को देखना चाह रहे हैं कि आप उस जगह तक पहुँचने के लिए आज सच में डिजर्विंग है, कीप ऑन क्वेश्चनिंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो वर्क आउट लाइक हेल एंड टर्न इनटू द डिजर्विंग पर्सन। ट्रस्ट मी दैट यू विल बी टर्निंग अ डिजर्विंग पर्सन। व्हाट विल ट्रूली गिव यू व्हाटएवर यू विल बी डिजर्विंग फॉर। क्योंकि ईश्वर हमें वही देता है जो हम सच में डिजर्व करते हैं, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। तो बस हमें जो है खुद को जो है योग्य बनाना है, मेहनत करना है, खुशियाँ बांटना है, जमकर जो है कर्म करना है, क्योंकि कर्म ही धर्म है, कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटना है। एंड बुरे सोच को दूर कीजिए अपने ज़िंदगी से, अपने अंदर की बुराइयों से लड़िए, इवॉल्व योरसेल्फ टुवर्ड्स अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एंड यस I'll see you soon in the next vlog, and yes, please, please, please don't forget to love everyone around you, every animals, every human being, everything around you. हर एक चीज़ों से प्यार कीजिए, हर एक इंसान से प्यार कीजिए। प्यार, सम्मान, care, share, these all things are the only motto of the life, and this is how the world is being created. हम लोग उसमें खामखा इन सब चीज़ों का उल्टा सब चीज़ जोड़ रहे हैं। Let there be peace and love shared among us. That's it. So I'll see you soon in the next vlog, and then #ShreyasChandelier live. Ta-da. एक्चुअली वो जो गेट वाली बात थी वो मैं बताना भूल गया। तो वो जो स्टोर रूम में बनवाया गया है उस वक्त तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। आई रियली विश जिस वक्त ये एकेडमी फॉर्म हो रहा था उस वक्त मैं ब्लॉगिंग करता तो कितना ज़्यादा मज़ा आता। बट कोई नहीं, बीते हुए कल के बारे में क्या सोचना, भविष्य के बारे में सोचने का भी नहीं है, आज के बारे में सोचते हैं। तो आज की बात यह है कि वो जो स्टोर रूम है वहाँ पर हमने बनवाया, हमने नहीं, समझ गया ना, बार बार नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने बनवा के दिया है स्टोर रूम। जो नए लोग होंगे वो थोड़े कंफ्यूज भी हो सकता है। तो स्टोर रूम में एक भी जगह जो है एयर के पास होने का जगह नहीं है। तो पापा ने भी बोला था कि ये जो अंदर मतलब चीज़ों में घून वगैरह लग सकता है। घून है, आप क्या बोलते हैं अपने भाषा में? हाँ, तो मॉइस्ट, हाँ, फंगस वगैरह ये वो। तो इसलिए जानवी जो है वो उसको खोल के रखती है, मतलब रात वगैरह में ध्यान से खोल देती है, पूरे दिन खुला रहता है ताकि उसके अंदर जो ज़्यादा हीट और ऐसा वो सारी चीज़ें ना, ये हम बताना भूल गए थे। और स्टोर रूम तो जितने लोग ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम ही है कि नहीं मालूम है तो कल के ब्लॉग में दिखा देंगे। कैसा लगा ब्लॉपर्स? वेरी इन्फॉर्मेटिव है।